ये है ह्युंडई फ्लूडिक वर्ना का ओडोमीटर। आज इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ पे साइड में बटन होता है ये वाला, जिसे आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ए से ट्रिप ए। इसको रिसेट करने के लिए आपको ट्रिप वाला बटन ऐसे प्रेस करने करके रखना पड़ता है और वहाँ पे जीरो होता है। इस तरह पर एक चीज़ को जीरो कर सकते हैं। ट्रिप बी, ये है आपकी गाड़ी और कितना चलेगी, आपके टैंक के हिसाब से, आपके टैंक में कितना पेट्रोल या डीजल है उसके हिसाब से गाड़ी कितना जाएगी। अब मेरी गाड़ी 681 किलोमीटर जा सकती है इस टैंक में। मेरी गाड़ी जो एवरेज दे रही है वो 19.8 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में या डीजल में आपकी गाड़ी कितना कितना चल रही है, कितने किलोमीटर चल रही है, वो है। ये है किलोमीटर पर लीटर। इसका क्या सिस्टम है कि जैसे कि आप इसमें देखेंगे लाइव एवरेज देखेंगे कि आप उन गियर में एट अ टाइम कितने एवरेज चल रही हैं। ये 30 तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब 30 किस टाइम पे दे रही है, पर कभी कभी 0 10 पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये कम दे रही है। तो एवरेज इसका मेरा 19 है। ये मेरी गाड़ी 1 घंटे में कितना चल रही है, 23 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, एवरेज जो गाड़ी का चल रहा है। ये है मेरा टाइमिंग, इंजन कब से स्टार्ट है मेरा, 48 घंटे 6 मिनट इंजन चला है जिससे मैंने रिस्टार्ट नहीं किया है। इसको रिसेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को रिसेट करने के लिए ट्रिप वाले बटन को दबा के रखें। ये इको ड्राइविंग ऑफ और ऑन, इको ड्राइविंग मतलब इसमें आपकी गाड़ी इको पर चलेगी जिससे आपकी फ्यूल कंजप्शन कम होगी। इसको दबा के रखेंगे ये ऑफ हो जाएगा जिससे गाड़ी तेल ज़्यादा तेल लेगी। इसको दोबारा दबा के रखेंगे इको ड्राइविंग ऑन हो जाएगा जिससे आपकी गाड़ी एवरेज बढ़िया होगी। फिर ये ट्रिप ए। इस तरह से आपको ऑडोमीटर में कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।